हाय एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइज, आज का व्लॉग इसने स्टार्ट किया है, सो मैं जो भी कुछ बोल रही हूँ वो इसकी तरफ से बोल रही हूँ फिलहाल। एंड सो गाइज, इस व्लॉग में हम जा रहे हैं घूमने। एंड कहाँ घूमने जा रहे हैं? हम जा रहे हैं फरीदाबाद सूरज कुंड मेले में। आपने सुना होगा ये जो मेला है, ये बहुत फेमस है। कई सालों से मैं सोच रही थी कि मैं यहाँ घूम के आऊँ, लेकिन टाइम नहीं लग पा रहा था। तो आज है सेकेंड सैटरडे, सो मेरा ऑफ है स्कूल का, सो मैंने सोचा आज वहाँ जाना चाहिए। सो मैं और पिंकी हम दोनों जा रहे हैं, और कैसे कैसे जाएंगे हम आपको सारा बताते जाएंगे। हम यहाँ से बस में जा रहे हैं, फिर मेट्रो से जाएंगे, और बताते जाएंगे हम कैसे कैसे ट्रैवल कर रहे हैं। और ये सुबह सुबह हाथ हूथ घुमा रहा है, अपनी एक्सरसाइज कर रहा है ऐसे लेटे लेटे। और बस हम भी चलने वाले हैं, हमने नाश्ता कर लिया है और इसने रोना स्टार्ट कर दिया है। हाँ, इसको अच्छी नहीं लग रही मेरी बातें, जैसे आपको नहीं लगती, अजीब अजीब कमेंट करते हो ऐसे। ये सो इस बार मैं एक्सपीरियंस करना चाहती थी कि हम बस से कैसे जा रहे हैं, बस से कैसे जाते हैं, कैसा फील होता है। इस बार मैं कई बार ही दिल्ली जा चुकी, लेकिन बस से मैं पहली बार जा रही हूँ। हरियाणा रोडवेज से हम जा रहे हैं। थोड़ा सा फर्क था ट्रेन और बस के किराए में। ट्रेन का 30 रुपीज का था, लेकिन बस का किराया 45 रुपीज का था। लेकिन मुझे बस में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा जाना, मुझे ट्रेन से जाना ज्यादा अच्छा लगा। हम कश्मीरी गेट पहुंचे, कश्मीरी गेट से मैंने मेट्रो स्टेशन से टिकट लिया। और टिकट मैंने कहां तक का लिया? टिकट सुंदर बोल रही हूं मैं गलती से, एक्चुअली सूरज कुंड मेले के लिए मैंने टिकट लिया NHPC चौक के लिए। सो 50 रुपीज पर हेड टिकट था ये। थोड़ी कश्मीरी गेट आ गए हैं। हमने बस से कश्मीरी गेट तक आए थे, यहाँ से हम मेट्रो में जाएंगे। अब हमने ले लिया है NHPC चौक का टिकट, और वहाँ से हम ऑटो लेंगे। स्टेशन लाल किला है। कर गए हैं। एक्चुअली ये वाली जो मेट्रो थी पूरी वहाँ तक नहीं जा रही थी, NHPC तक। सो हमें दूसरी मेट्रो लेनी पड़ेगी। यहाँ से बार बार अनाउंस कर रहे थे कि ये NHPC तक नहीं जाएगी, सो इसलिए हम यहाँ उतर गए हैं, और अब हम यहाँ से दूसरी मेट्रो लेंगे। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? यहाँ से दूसरी मेट्रो लेंगे जो हमें NHPC तक लेके जाएगी। सो मिलते रहेंगे आपसे। तो फ्रेंड्स, हमने मेट्रो से एग्जिट ले लिया है। एक्चुअली जब आप यहाँ सूरज कुंड मेले के लिए आओगे, तो जब आप यहाँ उतरोगे तो आपको गेट नंबर 3 से एग्जिट लेना है, और गेट नंबर 3 से एग्जिट लेके आपको नीचे ऑटो मिल जाएंगे सूरज कुंड मेले के लिए, और आप वहाँ इजिली जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ से लिया ऑटो। एक्चुअली यहाँ ऑटो बहुत मुश्किल से मिली, हमें काफ़ी दूर तक चलना पड़ा। ये कह रहे हैं कि पर्सनल जाना पड़ता है। सो गाइज, जो ये जो सूरज कुंड मेला है, ये 6 फेब से लेके 18 फेब तक लगा हुआ है, 10 AM से और 7 PM तक की इसकी टाइमिंग है डेली की। एंड ये जो सूरज कुंड मेला है, ये एक इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला है। यहाँ पर है हाथों से बनी हुई चीज़ें, जो क्राफ्ट की जो चीज़ें होती हैं वो बहुत अच्छे से और बहुत ज़्यादा वैरायटी दिखाई गई हैं। ये एक प्लेटफॉर्म भी है जिससे हम जो ये ट्रेडिशनल क्राफ्ट जो होता है, कल्चर जो होता है, इसको इंडियन कल्चर हेरिटेज का खिताब भी मिलता है। ये जो सूरज कुंड मेला है, ये हरियाणा टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज कराते हैं एट सूरज कुंड। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। अच्छा, इन्होंने हम दोनों के 150 रुपए लिए। हम है ना इतने रुपए में सोनीपत से यहाँ आ गए, और सो गाइज, आप देख रहे हो यहाँ पे कितनी सारी ऑटोज खड़ी हैं। ये क्या करेंगे, ये ऑटोज को अंदर नहीं जाने दे रहे। देखो अंदर इसमें मैं गिर जाती हूँ वीडियो बनाते। ये ऑटोज को अंदर नहीं जाने दे रहे, बाहर ही रोक रहे हैं।
और हमें 100 से 200 मीटर पैदल जाना पड़ रहा है। अगर हम अपनी पर्सनल गाड़ी लेके आते तो अंदर पार्किंग का प्लेस है, हम पार्क करके वहाँ इजिली पहुँच सकते हैं। इधर से सब जा रहे हैं, पैदल वाले सब इधर से जा रहे हैं, ऑटो वालों को उन्होंने वहीं रोक दिया है। गाइस आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, फिर आपको बताऊँगी कुछ। एक्चुअली ये जो पिंकी है ना, ये मुझे बार बार कह रही है मेरे सर पे कम्बाल है कम्बाल है, तो मैं इससे कह रही हूँ देख आगे जा रहे हैं उन्हें देख के, जी उसके तीर से भी कम्बाल है। गाइज हमने टिकट ले लिए हैं। एक्चुअली यहाँ 180 रुपये का यूजुअल टिकट था, जो जनरल टिकट था सबका, 180 कल का टिकट वीकेंड पे है सैटरडे संडे, अदरवाइज 120 रुपये का टिकट है। और सीनियर सिटीजन और 3 साल से छोटे बच्चों के लिए कंसेशन है। जो बच्चे 3 साल से छोटे उनको कोई टिकट नहीं है, लेकिन अगर 3 साल से बड़ा बच्चा है तो पूरा टिकट लगेगा। हाँ छोटे हैं, ये प्रूफ है हमारा टिकट कार्ड से दे दिया। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते। गाइज ये ना कागज की बनी हुई है, देखो रिसाइकल्ड है आई थिंक ये। हाँ हाँ और उन पे पेंट किया हुआ है, बहुत प्यारे लग रहे हैं। ये सिल्क है, बहुत अच्छी लग रही है। हाँ इस पे चल तू, तू अकेली आएगी इसमें। ये दो लेना तो कितने के लगाओगे? पानी डाल के बस किया। वही कह रहा हूँ, 50 से कम नहीं कर रहा, 3 जगह देंगे। बजाना अंकल। ये बस ऐसे बच्चे के लिए बजाने के लिए है, कुछ और चीज है? कोई चीज नहीं है, हुक्का जैसा लग रहा है, जैसा हुक्का कुछ। हाँ पापा
यहाँ मुझे तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, बस यहाँ एक कमी है, सब कुछ महंगा है, नॉर्मल प्राइस से भी महंगा है, इसलिए मैं तो कुछ नहीं ले रही। खत्म। अगरबत्ती खुशबू वाले सामान है ना सारा।
बीच में। ये मेरे फर्स्ट प्राइज आने की निशानी है, ये मेरा मेडल है, मैं फर्स्ट आई। कल के दिखाना है उसको उसे। सो गाइज ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ सारा जो भी कुछ फेमस डिशेज हो गया, डेजर्ट हो गए, जैसे ये कोहाना की जलेबी मशहूर, और बाकी सारी चीजें भी हैं चारों तरफ ये खाने का, डोमिनोज, साडा पंजाब, बीकानेर एंड मिल्क पॉइंट, राजस्थान, छोटे बड़े सारे। अरे वहीं से ही आए, वहीं खा लेंगे उनको। बहुत बड़ा था, मुझे तो लगता है हम पूरा घूम भी नहीं पाए एंड थक चुके हैं पूरी तरह, इसलिए हम बीच में वापस आ गए। बट बहुत अच्छा था, और मतलब हर चीज की वैरायटी थी, लेकिन महंगा बहुत था। सो हमने बहुत इंजॉय किया, आई होप आपने भी बहुत इंजॉय किया होगा। अगर आपने हमारी ये वीडियो इंजॉयिंग आई हो, सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, एंड बाय टू ऑल, टेक केयर। इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके, मुझे चाहिए। इतना जिला मैं कभी नहीं हूंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें जिला हूं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो, या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।